और एक स्टॉप की बात हम लोग करने वाले हैं, कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स पे हम लोगों ने अपना एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, आप लोग उसको देखिएगा दोस्तों। एनालिसिस के वीडियोस में हम लोगों ने बताया था 640 और 620 के पास से कि अगर ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। तो आज देखिए इसने 760 का हाई लगाया, यानी 3% 4% के आसपास प्लस में है और 29 रुपीज़ प्लस में है। तो ये हमारा जो और एक एनालिसिस था ये काम आया मार्केट में, और कल्याण ज्वेलर्स ने जो टारगेट और एनालिसिस हम लोगों ने बताया था उसको हिट किया। तो किसी भी स्टॉक में जाने से पहले आप किसी का भी, मेरा हो, जिसको भी फॉलो करते हैं, किसी और का भी, स्टॉक वाइज एनालिसिस थोड़ा देख लीजिएगा। स्टॉक वाइज एनालिसिस देखने से क्या होता है, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसमें एंट्री बनाइएगा। और उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या होता है, थोड़ा सा ठीक लगता है अगर मान लीजिए एनालिसिस किया हुआ स्टॉक्स या एनालिसिस किए हुए रास्ते पे चीज़ें जाती हैं तो अच्छा लगता है और खुशी होती है कि लोगों को इस तरीके से मान लीजिए हम लोग सेवा दे पा रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उठा के मान लीजिए अगर प्रॉफिट में हैं या अगर मान लीजिए अपने लॉस को बचा पा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉस कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट करने के बराबर, प्रॉफिट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल को बचाना। कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही कहाँ से कर पाइएगा। तो कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, ये सब कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, मगर अभी आपको एंट्री बनाने से पहले एक बार देख लेना पड़ेगा कि इसने एक टारगेट को हिट कर दिया। अभी एक टारगेट को इसने जब हिट कर दिया तो थोड़ा सा ये साइडवेज में कहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद फिर मान लीजिए साइडवेज थोड़ा कुछ दिन पोजिशन बन जाए, फिर एक ब्रेकआउट होगा तो फिर आप एंट्री बनाइएगा, तो फिर उस समय अच्छा आपके लिए होता है। ये था कल्याण ज्वेलर्स पर हमारा एनालिसिस।